फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल शिवी गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं सिंगोनियम के पौधे की, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय पौधा है और एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कम रख रखाव वाला पौधा है। तो आज हम बात करेंगे कि आप इसे कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, इसकी आप देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑल अबाउट जो भी हम सिंगोनियम प्लांट के बारे में आज बताएंगे। इसको एरो हेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो वानस्पतिक नाम है इसका, वो सिंगोनियम पोडाफाइम है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके आपको क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप इसको घर में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह है एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो यह हवा शुद्धि की जो गुणवत्ता है वो बढ़ा देता है और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है, यानी प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। एक सांस की प्रॉब्लम है तो आप इसके 4 से 5 पौधे अपने इंडोर में भी रख सकते हैं, इसे आउटडोर में रख सकते हैं। इसको आप हमेशा जो ब्राइट लाइट है उसके, यानी खिड़की के पास या आप दरवाजे के पास रखें अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं, यानी इसको ब्राइट लाइट जरूर दें। ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में रख रहे हैं, इसको थोड़ी ब्राइट लाइट की भी जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की। यह एक बहुत ही कम रखरखाव वाला पौधा है। अगर आप जो पौधों को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं या फिर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये पौधा आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधा उनके लिए, क्योंकि इसको ज़्यादा आप देख रेख की जरूरत नहीं होती है, इसको बस नियमित रूप से आप पानी दें। अगर इसकी मिट्टी सूख जाए ऊपर वाली तब इसे पानी दें और इस पर बस पानी की स्प्रे करें, बाकी ज़्यादा इसको कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता है। अगर आप देना चाहते हैं तो साल में एक या दो बार आप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आप पौधा ये ज़रूर लगाएं। अब हम तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं कि इसको एक डेकोरेशन प्लांट के रूप में भी रखा जाता है। आप इसकी लीव्स देख सकते हैं, ये देखिए, ऐसे लगता है कि इसके दो सींग हों, यानी उससे ही पता चलता है कि इसका नाम सिंगोनियम है, जिसके दो सींग होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप इसको डेकोरेशन के लिए, जैसे मैंने इसमें लगाया हुआ है तो एक ये मैंने स्टेयर्स पे रखा हुआ है, तो आप इसको डेकोरेशन के लिए, चाहे आप गमले में लगाएं चाहे किसी भी पॉट में आप लगा रहे हैं डेकोरेशन पॉट में, तो आप इसको एज अ डेकोरेशन के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ थोड़े से बेनिफिट। अब हम बात करते हैं कि आप इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो देखभाल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है मिट्टी। मिट्टी आपको वेल ड्रेन्ड लेनी है, ये नहीं है कि ज़्यादा सूखी ही मिट्टी हो। आप 50% आप गार्डन सोयल लें, 30% आप वर्मी कंपोस्ट लें और 20% आप रेत ले सकते हैं, या फिर आप 25% रेत लें, 25% आप गार्डन सोयल लें, 25% आप वर्मी कंपोस्ट लें और 25% ही आप कोकोपीट या फिर आप राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से मिट्टी बना सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर लगता है तो उस तरीके से बनाएं। उसमें पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है अगर आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो। आप इस तरीके की मिट्टी तैयार करें अगर ये पौधा आप लगा रही हैं। ये पौधा आपको एक साल बाद इसकी मिट्टी चेंज करनी है, इसलिए बार बार दोबारा मिट्टी चेंज करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी एक बार, जो भी मैंने आपको मिट्टी बताई है, बस आप वो मिट्टी का आप इसमें यूज़ करें अगर आप ये प्लांट लगा रहे हैं। अब हम सेकंड उसकी बात करते हैं कि आप इसको धूप कितनी चाहिए होती है। आप ना इसको 3 तरीके से रख सकते हो, या तो आप इसको बिल्कुल इनडोर रख रहे हो कि इसको थोड़ी बहुत रोशनी पड़ रही है, या फिर आप इसको डोर पे रख रहे हो कि हाँ इसको ब्राइट लाइट बहुत अच्छे से पड़ रही है, या फिर आप इसको धूप में रख रहे हो यानी आउटडोर रख रहे हो। तो ये तीनों तरह का इसका जो बिहेव होगा वो अलग ही होगा। अगर आप इसे धूप में रख रहे हो तो ये पौधा फैलेगा, यानी जो इसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक होंगी और जो ये फैलेगा बिल्कुल बस नीचे फैलता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आप इसको बिल्कुल ब्राइट लाइट में रखते हैं तो ये एक बेल के तरीके से बढ़ेगा, इसकी बेल होगी ऊपर की तरफ, तो इसकी जो बेल है वो निकल जाएगा अगर आप इसे ब्राइट लाइट में रखते हैं। हम दूसरे तरीके की बात करते हैं कि अगर आप इसको बस थोड़ी बहुत ही रोशनी दे रहे हैं या फिर आप इसको धूप में भी नहीं रख रहे हैं तो ये पौधा ऐसा ही रहेगा, इस तरीके से ये पौधा हो जाएगा, ये देख सकते हैं। लेकिन ये अच्छे से चलते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं तो आप जैसा भी आप प्रेफर करते हैं वैसे रखें। लेकिन इसको अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन इसको सुबह की 2 घंटे की धूप आप ज़रूर लगवाएं,
क्योंकि इससे पौधे को है जो थोड़ी एनर्जी मिलती है। क्योंकि अब हम बात करते हैं कि इसको पानी कितना चाहिए होता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको 4 दिन में 2 बार पानी दें और हफ्ते में आप इसको 3 या 4 बार पानी दें। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, या फिर अगर आप इसको ज़्यादा धूप में भी रखते हैं तब भी इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। इसको आप पानी तब दें जब इसकी मिट्टी है जो ऊपर वाली जो परत है वो सूख जाए। ये आप देख सकते हैं, ये भी इसकी मिट्टी है जो वो सूखी नहीं है। तो अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगी क्योंकि इसमें जो नमी है वो अभी रह रही है। तो इसको जब ये सूख जाए बिल्कुल तब इसको पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से आपका पौधा है वो ख़राब हो सकता है। इसकी पत्तियों भी बहुत जल्दी असर पड़ता है अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रखते हैं या फिर आप इसको ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो आप इसको असर है जो वो पत्तियों पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कीट पतंगों से कीटनाशक आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसमें मिली बग्स, वैसे मैंने इसमें मिली बग्स कभी लगे हुए देखे नहीं है, अगर बाय चांस आपके पौधे में लग जाते हैं मिली बग्स या फंगस लग जाती है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल के आप 15 से 20 दिनों बाद सभी प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों पर कभी फंगस या मिली बग्स नहीं लगेंगे। या फिर आप उसके बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो NPK 9019 का यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तब, वरना आप अगर नीम ऑयल का भी बिल्कुल अच्छे से स्प्रे करते हैं 20-15 दिनों बाद, तब भी आपको NPK 99 की ज़रूरत नहीं है। आप घर का जो फर्टिलाइज़र है वो भी तैयार कर सकते हैं घर से बना के। यानी अगर आप लूसन लेते हैं, लूसन को आप अच्छे से पीस कर उसमें उसको पानी में उबाल लें 0.5 लीटर पानी में, और उसमें फिर उसको रात में रख दें और उसमें मिर्ची डाल दें और रात भर के लिए उसे रख दें। फिर अगले दिन उसको स्प्रे बोतल में डालकर आप सभी प्लांट्स पर छिड़क दें। तो इस तरीके से आपके जो मिली बग्स वगैरह है वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। यानी अगर आप दोनों तरीक़ों से आप यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो नीम ऑयल की स्प्रे नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप घर पर बना कर ये। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको लगा कैसे सकते हैं, जो कि एक मेन मोटिव है इसको लगाने का। इसको आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं, आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये प्लांट लगाया था, ये वाला, ये मैंने पहले पानी में काफ़ी सारी जो कटिंग्स है वो रख दी थी, उसके बाद मैंने इसको इस पॉट में लगा दिया था। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने लगाया है, 1 मंथ ही हुए होंगे, और अब देखिए कितने अच्छे से ये पौधा है वो फैल रहा है। कम से कम इसकी मैंने 4 से 5 जो कटिंग है वो पानी में रखी हुई थी, उसकी जड़ आ गई थी, तो मैंने उसको इसमें रिपोर्ट कर दिया है। मैंने उसकी वीडियो भी दी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो आई बटन में दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो आप दोनों तरीके से आप कैसे भी जाके आप देख सकते हैं ये वीडियो कि मैंने इसको कैसे लगाया था, और इसकी मैंने गिलास में कटिंग रखी हुई थी। तो चलिए मैं आप इसको लगा के दिखा देती हूँ इसकी आपको कटिंग कैसे लेनी है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं, यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी ये एरियल रूट्स निकलती हैं इसकी। जैसे मनी प्लांट लगता है वैसे ये पौधा आसानी से लग जाता है। अगर आप मनी प्लांट की बात करते हैं तो आप इसकी छोटी सी कटिंग लेते हैं, फिर उसको पानी में रखते हैं, पानी के बाद आप इसको पॉट में रिपोर्ट कर देते हैं, पॉट में लगा देते हैं, तो इस तरीके से इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो आ जाती हैं। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, आप इसको 3 तरीके से लगाइए। सबसे पहले अगर आप इसको धूप में रख रहे हैं तो स्वेप अच्छे से फैल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ब्राइट लाइट में रख रहे हैं, या फिर आप इसको मोइस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसकी जो क्रीपर है वो आ गई है, या फिर उसको सहारा देना ज़रूरी है अगर इसकी जो बेल है वो आ गई है। ये ज़्यादा ब्राइट लाइट वाले पौधे में होता है, ये आप देख सकते हैं मैंने ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, और इसकी जो देखिए इससे अभी थोड़े दिन बाद बेल निकलने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो इसकी एक टहनी है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, बाकी सारी जो पौधे हैं नीचे हैं। तो इस तरीके से आप इन किसी भी तरीके से आप लगाएं, लेकिन ये पौधा बहुत अच्छा चल जाता है, बिल्कुल ही कम रख रखाव वाला पौधा है, हार्डी प्लांट मैं कह सकती हूँ कि एक हार्डी प्लांट है। तो चलिए मैं इसकी अब कटिंग ले लेती हूँ एक। ये आप देख सकते हैं,
ये देखिए मैंने इसमें से ये एक जो कटिंग है वो ले ली है, तो आप इस तरीके से लें। आप या तो इसको पानी में लगा दें, ये देखिए इसकी एरियल रूट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इसको मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी में भी बहुत आसानी से चल जाता है ये प्लांट। अगर आप इसको पानी में रख रहे हैं तो पानी में आपको अगर लगता है कि हाँ इसकी जड़ आ गई है, इसकी नई नई लीव्स आ गई हैं, तो इसको प्लांट दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग ले लें। ध्यान रहे कि उसमें जो ये न्यू लीव्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए न्यू लीव्स जो निकलने वाली हो उसमें ऐसा ही आप इसको कटिंग लें जिसमें न्यू लीव्स निकलने वाली हो। ये भी दिखा देती हूँ आपको, देखिए न्यू लीव्स निकलने वाली है ना इसकी, तो इस तरीके की आप कटिंग लें। ये मैंने कटिंग ले ली है। अब मैं इसको या तो मिट्टी में लगाऊंगी या फिर आप इसको पानी में रख दें, तो मैं इसको पानी में रखना जल्दी प्रेफर करूंगी, क्योंकि पानी में है जो रूट्स जल्दी डेवलप होती है। इसलिए एक तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ हमने कोई कटिंग रखी है, उसकी जो जड़ें हैं वो आ गई हैं। तो मैं पानी ले लेती हूँ, तो मैं इसको पानी में रखूँगी। मैंने ले लिया है एक गिलास पानी, इसमें मैंने ऑलरेडी कटिंग रखी हुई है। ये मैंने स्नेक प्लांट रखा हुआ है, देखिए इसकी जड़ भी आ गई है, और ये कि जो बेल की तरह शक्कर गंदी का पौधा होता है वो भी मैंने इसमें लगा दिया है। तो अब मैं इसको भी इसमें ही रख दूँगी ताकि इसकी जल्दी से जड़ आ जाए, ये देखिए। तो इसकी 7 से 8 दिनों बाद आप इसकी न्यू रूट्स देख सकते हैं। उसके बाद 10 दिनों बाद आप इसको दूसरे प्लांट में जो मिट्टी में है उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पौधा लगाएं, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपका प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप इस प्लांट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाकी सभी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में आई लिंक में दे दी हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं मैंने दूसरे प्लांट कैसे लगाए हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा।